नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्रिक स्टार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए दूसरे ओडीआई में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से हरा दिया है और सीरीज़ में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। और स्कोर कंपैरिजन की, टीम इंडिया का स्कोर था 39 रन पे 2 विकेट, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 10 ओवर के बाद था 60 रन पे कोई विकेट नहीं। 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया से 21 रन आगे थी। 20 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 97 रन पे 3 विकेट, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 106 रन पे 2 विकेट। 20 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया इंडिया से 9 रन आगे थी। 30 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 161 रन पे 4 विकेट, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 136 रन पे 4 विकेट। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से 25 रन आगे थी। 40 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 204 रन पे 6 विकेट, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 186 रन पे 5 विकेट। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से 18 रन आगे थी। और अंत में टीम इंडिया 250 रन पे ऑल आउट हो गई थी 48.2 ओवर में। ऑस्ट्रेलिया 242 रन पे ऑल आउट हुआ 49.3 ओवर में। और टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 8 रन से जीतकर सीरीज़ में 2-0 की बढ़त बना ली। मैच के हीरो रहे विराट कोहली, उन्होंने अपने करियर का 40वां शतक लगाया, 116 रन की पारी खेली 120 गेंदों में, जिसमें 10 चौके शामिल थे। और टर्निंग पॉइंट जसप्रीत बुमराह का ओवर था डेथ में, जिसमें 2 में और उन्होंने 10 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए। उसके अलावा कुलदीप यादव ने 80 गेंदबाजी की, 10 ओवर में 54 रन देकर 3 विकेट लिए। विजय शंकर, इनको आप कैसे भूल सकते हैं, मैच के हीरो, आखिरी ओवर के हीरो। आखिरी ओवर में इनको 11 रन सेव करने थे और इन्होंने 3 गेंदों में 2 विकेट रह गए थे ऑस्ट्रेलिया के, 3 गेंदों में इन्होंने गेम ख़त्म कर दिया, 2 विकेट निकाल कर ऑल आउट करके टीम इंडिया को इन्होंने जीत प्राप्त करवा दी। और इन्होंने 1.3 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए नीचे और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।